let's move toward the fourth part of this poem. Isabel met a troublesome doctor. He punched and he poked till he really shocked her. The doctor's talk was of coughs and chills, and the doctor's satchel bulged with pills. The doctor said unto Isabel, swallow this, it will make you well. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She took those pills from the pill concoctor, and Isabel calmly cured the doctor. Dear students, in the last and the fourth part of this poem, she came in contact with the doctor, and whom she takes as a trouble. ठीक है, डॉक्टर उसको बहुत बड़ी मुसीबत लगता है. ठीक है, एंड द डॉक्टर्स टॉक इज डॉक्टर बिहेव्स इन सच अ वे दैट ही टॉक्स शी फील्स ही टॉक्स लाइक पंचेज एंड पॉक. ठीक है ना, ही पंच्ड एंड ही पॉक्ड टिल ही रियली शॉक्ड हर. वो इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके से बात करता है कि वो उसकी डिस्कशन को जो है वो लेती है जैसे ही इज़ हिटिंग हर. वो उसको हिट कर रहा है. ठीक है ना, पंचेस लाइक पंचेस और पॉक को लेती है. द डॉक्टर्स टॉक वॉज ऑफ कफ्स एंड चिल्स. वो कफ और चिल्स के बारे में बात करते हैं. इट्स ऑफकोर्स उसका प्रोफेशन ऐसा है, वो इसी के बारे में बात करेगा कि उसको खांसी हो गई या उसको ठंड लग गई किसी तरीके से. ठीक है, एंड द डॉक्टर्स सेचल बल्ग विद पिल्स. सेचल मीन होता है बैग, बल्ग मीन होता है फिल, एंड मेडिस पिल्स बोलते हैं बेटे मेडिसिन को. एंड द डॉक्टर्स सेचल बल्ग विद पिल्स, और उसका बैग जो है मेडिसिन से फिल है. ठीक है ना, द डॉक्टर सेड अनटू इजाबेल स्वेलो दिस. अनटू का वर्ड यूज़ करते हुए कहता है कि जब तक इजाबेल उसको नहीं खा लेती, या जब तक आप इसको अगर आप इसको खाएंगी इट विल मेक यू वेल, यानी उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है. ठीक है, द डॉक्टर्स सेड अनटू इजाबेल स्वेलो दिस इट विल मेक यू वेल, कि इजाबेल इसको नहीं खाएगी बिकॉज इट विल मेक यू वेल, ये इसको ठीक कर देंगे. उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है, और उसको मोटिवेट भी करता है और स्टॉप भी करता है. ठीक है ना, कि आपने इसको नहीं खाना. इजाबेल डिडंट वरी, वो बिल्कुल परेशान नहीं होती. शी डोंट हैव एनी केयर अबाउट शी डोंट हैव एनी केयर अबाउट हर डिजीज. ठीक है, एंड शी इवन हैव नो साइन ऑफ एंगजाइटी रिगार्डिंग डॉक्टर. वी कांट सी एनी साइन ऑफ एंगजाइटी ऑन हर फेस. हेयर यू कैन सी इन द सीनरी एज वेल दैट शी इज सो मच हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट एज वेल. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She didn't scream from here. She neither screamed nor move quickly from here. She took those pills from the pill concoctor. वो वही pills उस doctor से, pill concoctor is the doctor here. वो उसी से medicine लेती है. And Isabel calmly cured the doctor. वो बहुत calm and cool way में, बहुत simply जो है वो doctor का खुद ही इलाज कर देती है. ठीक है, उसी को वो मेडिसिन दे देती है. या स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा एंड द सॉरी यू कैन से द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट. फाइनली इन दिस लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम शी मीट्स अ डॉक्टर हु सीम्स टू बी ट्रबल टू हर. ही द डॉक्टर ट्राइड ऑल हिज ट्रीटमेंट एंड लेटर ही ऑफर्स हिज पिल्स यू कैन से ही ऑफर्स हिज मेडिसिन टू इजाबेल. बट इंस्पाइट ऑफ ऑल दीज ही रिमेन काम एंड कूल. ठीक है, दो द डॉक्टर टॉक्स एज ही पंचेस हर ही हिट्स हर, बट शी रिमेन काम एंड कूल एंड शी ट्रीटेड द डॉक्टर बाय हिज ओन मेडिसिन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर पोएम, एंड इन दिस पोएम वी रेड अबाउट इजाबेल, अ लिटिल गर्ल who faces a lot of problems, a lot of challenges, and she cope all these challenges in her own way. ठीक है, वो अपने तरीके से उसको डील करने की कोशिश करती है. यू ऑल्सो लर्न दैट वी शुड बी ब्रेव एंड कर्चियस लाइक इजाबेल, बिकॉज इफ वी आर कॉन्फिडेंट वी कैन डील विद एवरी प्रॉब्लम एंड टफ टाइम. ठीक है, लाइक इजाबेल we can control and overcome any bad situation, any bad condition. If we are courageous, we are brave, we are strong, and we behave like a confident person. ठीक है, this is a theme of this poem, and I hope you all understand it. Now let's move toward the question answer. Let's move toward the exercise.
And the first activity in this exercise is understanding the poem. The first question in the understanding of the poem is answer the following questions. Students, you can see that I prepared notes for all of you. Here you can see the notes, the Smart School GMAbad campus, okay, class 7, Adventures of Isabel. First of all, let's move toward the question. What did Isabel do before she ate the beer? The first question is, what did Isabel do? Isabel ne kya kiya tha before she ate the beer? Beer ko khane se pehle usne kya kiya tha? Okay, let's move toward the answer. Isabel washed her hands, usne apne haath dhoye the, and straightened her hair up before she ate the beer. ठीक है, बियर को खाने से पहले इजाबेल वॉश्ड हर हैंड्स, उसने अपने हाथ धोए थे, एंड स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप बिफोर शी एट द बियर. ठीक है, उसने अपने हाथ धोए थे और बालों को सीधा किया था बियर को खाने से पहले. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द विच लुक लाइक. विच जो है वो चुड़ैल किस तरह की नज़र आती थी. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर. The witch's face was cross and wrinkled. ठीक है, उसका face, उसकी appearance जो है वो cross और wrinkled थी, and she did not have any teeth. और improper way, in regular way उसके teeth नहीं थे, they were dispersed on the teeth ridge. ठीक है ना, the teeth face was cross and wrinkled. ठीक है ना, and she did not have any teeth in proper way on her teeth ridge. ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन. हाउ डिड इजाबेल डील विद द विच. वो विच के साथ, दिस इज सी पार्ट ऑफ आर एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर. हाउ डिड इजाबेल डील विद द विच. वो विच के साथ कैसे डील करती है. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इजाबेल टर्न द विच इंटू मिल्क एंड ड्रैंक हर. ठीक है, वो उसको मिल्क में, उसको लिक्विड मिल्क में चेंज करती है और उसको ड्रिंक पी जाती है उसको. ठीक है, एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज व्हाट डिड द जायंट वांट टू डू टू इजाबेल. जायंट जो है, जिन जो है, वो इजाबेल के साथ क्या करना चाहता है. दिस इज आर फोर्थ क्वेश्चन डी. ठीक है, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर. द जायंट वॉन्टेड टू ग्राइंड इजाबेल्स बोन्स टू मेक हिज ब्रेड. ठीक है, यहाँ पर बेटे हिज आएगा. द जायंट वॉन्टेड टू ग्राइंड इजाबेल्स बोन्स टू मेक हिज ब्रेड. देन लेट्स मूव टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन, पार्ट ई. व्हाट वाज इजाबेल डूइंग ड्यूरिंग हर मीटिंग विद द जायंट. ठीक है, वो जायंट के साथ अपनी मीटिंग में क्या कर रही थी. ठीक है, शी वॉज ईटिंग ज़ुईबैक. वो क्या खा रही थी, ज़ुईबैक, विच शी इज़ ऑलवेज फेड ऑफ, जिसको वो कभी भी लाइक नहीं करती. ठीक है, देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डॉक्टर वॉन्ट इजाबेल टू डू. डॉक्टर इजाबेल के साथ क्या करना चाहता है. ठीक है, द डॉक्टर वॉन्टेड इजाबेल टू स्वेलो सम पिल्स. वो उसको कुछ मेडिसन्स जो है वो खाने के लिए देना चाहता है. वो चाहता है कि इजाबेल कुछ मेडिसन्स ले ली. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज How did Isabel deal with the doctor? वो डॉक्टर के साथ कैसे डील करती है. This is our last question. ठीक है, And the answer of this question is Isabel cured the doctor by making him eat his own pills. ठीक है, Isabel cured the doctor by making him eat his own pills. वो उसको उसी की medicines खिला के उसका इलाज कर देती है. These are the question answers. I hope you all will learn it, inshallah.